हाय फ्रेंड्स, चलिए हम लोग फिर से आ गए हैं। आज हम लोगों का वॉर लग चुका है। आज मैं लाइव अटैक करने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम इन वॉर, पता नहीं। एंड मैं इसका स्ट्रेटजी भी डिस्कस करने के लिए बैठा हुआ हूँ अभी, कि कैसे हम लोग वॉर को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम लोगों को एक बार देखना पड़ेगा। तो देखिए, हम लोगों का ये वॉर लग चुका है, दोस्त लोगों ने अच्छा अटैक किया है अभी तक। अभी मेरा जो ओपोनेंट है, ये जो बंदा है, देखिए इसमें ये वाला है उसका बेस लेआउट। तो इसमें मैं अपना प्लान पहले बताता हूँ कि कैसे मैं सोच रहा हूँ। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो मेरा फंडा बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्वीन को उतारना चाहता हूँ, दिस एरिया, ठीक है। अब क्वीन को यहाँ पे उतारूँगा तो क्वीन विल चार्ज थ्रू हियर। इस पोर्शन को क्वीन को खाना चाहिए। एक अगर वॉल ब्रेक दूंगा तो वो अंदर तक चली जाएगी, तो ये वाला एरिया मेरा क्लियर हो जाएगा अगर क्वीन इस तरफ आती है तो, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट मेरे को सीसी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो सीसी को निकालने के लिए क्वीन जब यहाँ पे खाली कर देगी तो आई कैन जस्ट मतलब यहाँ पे एक हॉक डाल दूंगा तो हॉक तो अंदर चला जाएगा, तो हॉक सीसी को लूर करके बाहर निकाल के लेके आएगा। तो ये अब तक का प्लान है। तो फिर सीसी आ गया, मेरे पास पॉइजन रहेगा सीसी के लिए, तो मैं पॉइजन डाल दूंगा, सीसी ख़त्म। अब क्वीन अगर ज़्यादा अंदर चली जाती है तो इन्फर्नो उसको पकड़ लेगा, तो उसके लिए मैंने एक फ्रीज लिया है और क्वीन की एबिलिटी तो है, तो मैं उसको देख लूँगा। अगर क्वीन टाउन हॉल निकाल पाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सीज बैरक को डिप्लॉय करूँगा यहाँ पे। तो पिक्का जाएगा, पिक्का ऐसे ख़त्म करते 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 जाएगा, उसके पीछे छोटा छोटा विज़र्ड 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 ये निकलते निकलते जाएंगे। तो ये पूरा जो पार्ट है हम लोगों को, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो बचा कितना पार्ट, तो मेरे पास आ गया ये वाला पार्ट। सोचिए कि ये वाला पार्ट आ गया, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको मुझे हॉक से निकालना है। एंड अगर हॉक से मैं निकालने के लिए सोच रहा हूँ तो एक जो बैरक फट के जो हॉक्स निकलेंगे वो तो इस तरफ नहीं जाएंगे ना, वो तो फिर यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे मेरा एक हिल्स पे लाया जाएगा। और ये जहाँ से यहाँ से मैं अगर हॉक्स छोड़ूंगा तो यहाँ पे एक हिल्स पे ला जाएगा। अगर ये प्लान काम करता है तो ये 3 स्टार मेरे लिए पक्का है। तो ये प्लान को मेरे को एक्टिवेट करके काम करवाना है, सो दैट आई नीड टू नो, ठीक है, कि कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं, प्लान इतना सा ही है, अभी देख लेते हैं कि कुछ कर पाते हैं कि नहीं इसके ऊपर। तो इसके पहले मैं एक बार चला जाता हूँ अपने लेआउट पे। मेरा यहाँ पे क्वीन का कितना टाइम बाकी है, 5 मिनट, चलो इसको जगा लेते। क्वीन आ गया, ट्रूप्स मेरा रेडी है, नहीं है तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार बैरक बूस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए बैरक बूस्ट हो गया, ट्रूप्स बूस्ट हो गए। अच्छा, मैं अभी हीरोज को बूस्ट करने वाला हूँ कि मेरे को कोई भी जगह से मेरे को ये नहीं हो, प्रॉब्लम ना हो, तो आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो जस्ट कुछ ही टाइम बाकी है, चलिए मैं इसको भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 28 हॉग लेके जा रहा हूँ, दिस इज़ अ मैज हॉग अटैक। क्वीन को बचाने के लिए मैंने 3 रेड स्पेल लिया है। तो अगर मेरा जो प्लान है वो काम करता है तो इट विल बी अ ट्रिमेंडस विक्ट्री फॉर अस। चलिए देखते हैं, अगर नहीं होता है तो कुछ और करना पड़ेगा, आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट वी विल डू समथिंग। चलिए सारा हॉग्स नहीं छोड़ेंगे, 4 या 5 हॉग्स हाथ में रखेंगे, ठीक है, ये हम लोग को देखना है, ओके। चलिए फिर चलते हैं इसमें। चलो सब कुछ तो सही लग रहा है,
चलो चलो चलो, क्वीन अंदर आ गया। सीसी आ जाओ। क्वीन टेक डाउन कर लेगी। चलो सही है। यहाँ पे टाउन हॉल निकाल ली। चलो अभी चलो चलो, नाइस नाइस गोइंग, नाइस गोइंग। क्लीन अप का ट्रूप्स। चलो चलो, बहुत हॉग्स बच गए, बहुत बहुत यार। सक्सेसफुली 3 स्टार हो गया। ओह चलो, नाइस नाइस। ये बॉम्बर को भी डाल दो, स्वैग बॉम्बर। मैं हॉग्स बचाने के लिए सोचा था बट नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत हॉग्स है, बहुत। स्वैग 3 स्टार्स भाई लोग, स्वैग 3 स्टार्स। चलिए नेक्स्ट अटैक का प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट अटैक जो मैं करने वाला हूँ, जो नेक्स्ट अटैक हम लोग करने वाले हैं वो होगा इस बेस के ऊपर। देखो यहाँ पे भी सीसी बहुत अंदर है, ठीक है, तो सीसी को बाहर निकालना पड़ेगा। एंड मैं इसमें लावा लून का सोच रहा था, बट लावा लून में एक ही प्रॉब्लम होगा। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, हीरोज इस तरफ है ना, मैं अगर लावा लून चालू करता हूँ तो क्वीन के पास जाएगी, तो क्वीन को मेरे को टेक डाउन करना पड़ेगा। एंड मेरे को जो लग रहा है कि मैं इधर से अगर लून्स छोड़ूंगा तो बेलून्स छोड़ के सब कुछ निकल के चला आएगा, तो मेरा क्वीन उसको टेक डाउन कर लेगी। पॉइजन है मेरे पास। ओके, दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट अटैक किस पे, तो मैं तो 7 का सोच रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, मेरे को लगता है कि मैं ये अटैक थोड़ा बाद में करूँगा, अभी के लिए ये अटैक मैं नहीं करता हूँ। अभी के लिए मैं देख लेता हूँ कि दोस्त लोग किसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि मैं कितना क्या कर सकता हूँ, फिर मैं ये वाला अटैक करूँगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अटैक में।